हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट नेटवर्क। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के मैच के बारे में। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हम जानेंगे इस वीडियो में, साथ ही हम पूरे मैच की डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। अब गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बैंगलोर और राजस्थान का ये मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो कि काफ़ी बड़ा ग्राउंड जरूर है, लेकिन गाइस यहाँ पे बैट्समैनों का ज़्यादा फायदा होता है। मतलब यहाँ पे जो एवरेज स्कोर होता है वो हमेशा 170 180 होता है। यहाँ पे दोस्तों एकदम हाई स्कोरिंग ये पिच है, जिसकी वजह से बैट्समैनों को ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये मैच भी आपको एक हाई स्कोरिंग मैच दिखने वाला है, जो कि होगा दुबई के स्टेडियम में। गाइस, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पहले भी मैच हो चुका है IPL 2020 में, जहाँ पे बैंगलोर की टीम ने राजस्थान को हराया था 8 विकेट से, और विराट कोहली ने उस मैच में शानदार 50 मारी थी। तो गाइस इनका दूसरा मैच होगा और ये खेला जाएगा दुबई के स्टेडियम में। बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम अब तक 8 में से 3 मैच जीती है और 5 मैच हारी है। पॉइंट्स टेबल पे नंबर 7 पे अभी तक राजस्थान रॉयल्स की टीम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होगा राजस्थान की टीम के लिए। अपना पिछला मैच राजस्थान रॉयल्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम से 13 रन से हार के यहाँ पे आ रही है बैंगलोर के खिलाफ मैच खेलने। वहीं गाइस अगर हम बात करें RCB की टीम की, तो RCB की टीम भी अपना पिछला मैच किंग्स 11 पंजाब के साथ 8 विकेट से हार के यहाँ पे आ रही है। तो गाइस दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार के इस मैच में भिड़ेंगी आपस में। और अब गाइस हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो बात करें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के बारे में, तो ओपनिंग में आपको दिखेंगे बेन स्टोक्स, जॉस बटलर नंबर 3, स्टीव स्मिथ नंबर 4, संजू सैमसन नंबर 5, रॉबिन उथप्पा नंबर 6, रियान पराग नंबर 7, राहुल तिवतिया नंबर 8, जोफ्रा आर्चर नंबर 9, श्रेयस गोपाल नंबर 10, जयदेव उनाडकट नंबर 11 पे दिखेंगे कार्तिक त्यागी। तो गाइस ये प्लेइंग 11 खेलने वाली है राजस्थान रॉयल्स की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। अब अगर गाइस हम बात करें RCB की प्लेइंग 11 की, तो RCB की प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। मोहम्मद सिराज गाइस बाहर होने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और इनकी जगह हो सकता है गुरकीरत मान सिंह या उमेश यादव, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ गुरकीरत मान सिंह को जगह मिलने वाली है। तो RCB की प्लेइंग 11 होगी दोस्तों देवदत्त पादिकल, एरन फिंच ओपनिंग पर दिखेंगे, 3 नंबर पर कप्तान विराट कोहली, 4 AB डिविलियर्स, नंबर 5 गुरकीरत मान सिंह, नंबर 6 शिवम दुबे, नंबर 7 वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8 क्रिस मॉरिस, नंबर 9 ईशू रोडाना, नंबर 10 पे आपको देखेंगे नवदीप सैनी, और नंबर 11 पे यजविंदर चहल। तो गाइस ये होगी प्लेइंग 11 RCB की टीम की, जो खेलेगी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। और गाइस ये मैच होने वाला है 17 अक्टूबर को शाम 3:30 बजे। ये मैच दोस्तों दोपहर में खेला जाएगा। इन दोनों का जो पहला मैच हुआ था वो भी हमने देखा था दोपहर में हुआ था, जहाँ पे बैंगलोर की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को बुरी तरह मात दी थी, और ये मैच भी खेला जाएगा दोपहर के समय। गाइस दोनों ही टीमों के लिए ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो दोनों टीमों को ये मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब अगर गाइस बात करें मैच प्रेडिक्शन की, तो राजस्थान और बैंगलोर की टीम दोनों टक्कर की टीम है, दोनों अपना पिछला मैच हार के यहाँ आ रही है, तो दोनों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो थोड़ा डाउन यहाँ पे होगा। और अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ मैच प्रेडिक्शन की, तो मेरे हिसाब से कोई सी भी टीम जीत सकती है, दोनों टीमें मेरे को एकदम बराबरी की टीम लगती है। कहीं ना कहीं बैंगलोर की टीम या राजस्थान रॉयल्स की टीम से आगे ज़रूर है, लेकिन दोस्तों कोई सी भी टीम जीत सकती है। मैं यहाँ अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं बैंगलोर की टीम को जिताना चाहूँगा, क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा कि मैं बैंगलोर का बहुत ही बड़ा फैन, तो मैं चाहूंगा कि बैंगलोर की टीम ये मैच जीते। लेकिन गाइस ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।